मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम महाराजगंज, कुशीनगर और जौनपुर लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 12:15 पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के नौतनवा में पार्टी प्रत्याशी पंकज चौधरी के समर्थन में जनसभा करेंगे, तो वहीं दोपहर 2 बजे कुशीनगर में लोकसभा में पार्टी उम्मीदवार विजय कुमार दुबे के समर्थन में रामकोला में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 4 बजे जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के समर्थन में जनसभा में शामिल होंगे, तो वहीं शाम 6:30 बजे वाराणसी पहुंचकर बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। ये आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उत्तर प्रदेश का खास दौरा रहने वाला है। अब मध्य प्रदेश में 4 चरणों के साथ ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के आला नेता, खासकर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब पड़ोसी राज्यों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज वो उत्तर प्रदेश जाएंगे। महाराजगंज, कुशीनगर और जौनपुर पहुंचेंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम जी, ये जो दौरा आज का उत्तर प्रदेश का, इसके लिए मैं कह सकती हूं कि यूपी के मन में मोहन? डेफिनेटली आप कह सकती हैं यूपी के मन में बस गए हैं मोहन, और मोहन लगातार वहाँ पर, यानी डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, साथ में प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रत्याशी को ही वोट करिए क्योंकि आपके भरोसे पर हम खड़े उतरने वाले हैं और मोदी का चेहरा है। बिल्कुल श्याम जी, अगर मैं महाराजगंज, कुशीनगर और जौनपुर लोकसभा सीटों की बात कर लूं तो समीकरण क्या कहता है? क्योंकि देखिए, यही बोला जाता है कि यादव वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को यह जिम्मा सौंपती है, तो क्या महाराजगंज, कुशीनगर, जौनपुर की सीट भी उसी समीकरण के तहत आती है? देखिए, ये तमाम सीटें जो है कहीं ना कहीं सपा प्रभाव वाली हैं, यानी यादव वोट बैंक तो निर्णायक है ही, ओबीसी के बाकी जो जातिगत जो है वो भी उसमें जो है निर्णायक रहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भाजपा को ये लगता है, जो लगातार रिसर्च होकर आ रही है भाजपा के जो केंद्रीय संगठन के पास में, कि मोहन यादव का जादू चल रहा है। मोहन यादव जब वहाँ पर अपनी बात रखते हैं, लगातार मुद्दों को उठाते हैं, और पार्टी ने एक और बात की कि स्थानीय मुद्दों पर बात करिए आप, बहुत राष्ट्रीय उस पर जो है परिदृश्य में बात मत करिए, आप महाराजगंज की बात करिए, आप कुशीनगर की बात करिए, वहाँ के लोगों की बात करिए, क्या जो है इससे पहले के आपने जो जनप्रतिनिधि चुने थे उन्होंने क्या दिया और क्या नहीं दिया, इसकी बात करिए, और हम क्या देंगे आपको ये भी बात करिए। बिल्कुल श्याम जी, मोहन का जादू चल रहा है क्योंकि देखिए बहुत कम वक्त में एक स्टार प्रचारक के तौर पर उभर कर आए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिये, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और अब 25 मई को 6वें चरण के तहत मतदान होना है। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, 6वें चरण की तैयारियों में जुटे हैं सियासी दल। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता बिहार, झारखंड, ओडिशा में तैनात है। कांग्रेस के 11 नेता कर रहे हैं हरियाणा के सिरसा में प्रचार प्रसार। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ओडिशा में कर रहे हैं लगातार प्रचार। लता हुसैंडी भी संभाल रही है ओडिशा में प्रभार। वहीं झारखंड में मंत्री रामविचार नेताम संभाल रहे हैं चुनावी कमान, और रायबरेली में राधिका खेड़ा कर रही है प्रचार। देखिए, लगातार अब जो सियासी दलों के आला नेता है, क्या प्रवक्ता, क्या खुद उम्मीदवार और क्या बड़े नेता, वो सभी अब पड़ोसी राज्यों में प्रचार प्रसार की प्रक्रिया में जुट गए हैं। देखिए, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा, यूपी, जम्मू कश्मीर, ये तमाम वो राज्य हैं जहां 25 मई को 6वें चरण के तहत मतदान होना है, और उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के आला नेता बिहार, झारखंड, ओडिशा में प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, लगातार ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं ये सियासी दल। मैं आपको बता दूं कि ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं जिसमें अभी 12 सीटों पर मतदान होना बचा है, तो वहीं झारखंड की बात करूं तो 14 सीटें हैं जिसमें अभी
छठे चरण के तहत 4 सीटों पर मतदान होगा। ये तमाम वो राज्य है और हरियाणा में तो छठवें चरण में ही 10 की 10 सीटों पर मतदान होना। ये तमाम राज्य जिनको अब कवर करते हुए नजर आ रहे हैं ये सियासी दलों के आला नेता। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं रायपुर से। रोहित, हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के आला नेता अभी तक तो झारखंड, ओडिशा, पड़ोसी राज्य तक पहुंच रहे थे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि हरियाणा पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, तमाम राज्यों को साधते हुए छत्तीसगढ़ के आला नेता। बिल्कुल अंजनी, आपने ठीक कहा कि जो छत्तीसगढ़ के आला नेता हैं वो लगातार देश भर में प्रचार कर रहे हैं और आधा दर्जन से ज़्यादा यानी कि 6 राज्यों से ज़्यादा पे जो है वो उनकी ड्यूटी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ के तमाम नेता पहुंच रहे हैं और खास तौर पे फोकस भारतीय जनता पार्टी का उड़ीसा, हरियाणा और झारखंड पर दिखाई दे रहा है। उड़ीसा में छठवें चरण का मतदान होना है, हरियाणा में भी चुनाव है, इसके अलावा आप झारखंड की बात की जाए तो वहाँ पर भी चुनाव होना है। तो ऐसे में यहाँ पर सियासी दल लगातार प्रचार कर रहे हैं और भाजपा के तमाम बड़े नेता यहां पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वो हरियाणा और दिल्ली में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आगामी समय पर उनकी कई सारी सभा होने वाली है, इसके अलावा हरियाणा में भी उनकी सभा होगी। इसके अलावा एक और फॉर्मूला जो है वो नया देखा जा रहा है, जिसपे जो हरियाणा का सिरसा सीट है वहां से छत्तीसगढ़ की पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही है, तो उनके चुनाव प्रचार पे जो है वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस से टूटकर जो भाजपा में शामिल हुए वो 11 नेता भाजपा जो संगठन में आ चुके हैं वो लोग वहां प्रचार कर रहे हैं और कुमारी शैलजा हैं उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रायबरेली पे भी भाजपा ने अभी हाल ही पे शामिल हुई राधिका खेड़ा को उतार दिया है। राधिका खेड़ा वहां प्रचार कर रही है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल वहां पर प्रचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नई नई रणनीतियों पर काम किया जा रहा है और तमाम नेताओं को वो छठवें और सातवें चरण के मतदान के लिए लगा दिया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब बचते ही 2 चरण है तो ऐसे में तमाम नेता, हर दल के नेता जुड़ गए हैं प्रचार प्रसार की प्रक्रिया में। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर वार वीडियो जारी कर अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी ने लिखा, विदेशी शक्तियों की चाबियों के साथ हिंदू द्वेष, परिवारवाद के मुद्दे पर भी उठाया सवाल, वहीं देश की जनता ने परिवारवाद पर किया प्रहार। लगातार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को, तमाम विपक्षी पार्टियों को परिवारवाद के मुद्दे को लेकर घेरती भी नजर आती है। इसी बीच बीजेपी छत्तीसगढ़ ने ये एक्स पर एक कार्टून वीडियो जारी किया है जिसको लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। एक वार वीडियो जारी कर अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई नजर आई है छत्तीसगढ़ बीजेपी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी ने लिखा है कि विदेशी शक्तियों की चाबियों के साथ हिंदू द्वेष, परिवारवाद के मुद्दे पर भी उठाया है सवाल। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि देश की जनता ने परिवारवाद पर किया प्रहार। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, जाति 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 जाति। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बिहार जाएं और उनके स्वागत के लिए वहां तेजस्वी के तीखे बयान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बार भी जब पीएम बिहार के मोतिहारी दौरे पर थे तो तेजस्वी भी अपने शाब्दिक बाणों से पीएम पर तीखे वार कर रहे थे। अब पीएम और तेजस्वी ने इसी बीच बेडरेस्ट पॉलिटिक्स का राग छेड़ दिया है। क्या है ये पूरा मामला, समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। पीएम मोदी छठे चरण के चुनाव के आगाज के साथ जैसे ही अपने 7वें दौरे पर बिहार पहुंचे, संदेश बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि एनडीए की नजर इस बार भी बिहार के 40 सीट पर है। इन सब के बीच बिहार में समूचे विपक्ष को अपनी कमर पर लाद कर चल रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही पीएम मोदी को चैलेंज कर दिया कि अगर प्रधानमंत्री ने 10 सालों में मुझसे ज्यादा नौकरियां बांटी होंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हालांकि फिलहाल तेजस्वी की कमर में दर्द है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि पहले 4 जून को नतीजे आ जाए, मोदी सरकार को बेड रेस्ट पर भेज दूं, फिर जाकर मैं आराम करूंगा। 50,000 करोड़ का निवेश है बिहार में, इसके लिए एग्रीमेंट कराए, लेकिन इस पे प्रधानमंत्री जी का मुंह नहीं खुलता कि तेजस्वी ने इतना काम किया 17 महीने, जो 10 साल में हम सवाल पूछते प्रधानमंत्री जी ने तेजस्वी से अगर ज्यादा नौकरी दिया होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रधानमंत्री को खुला चुनौती है। हमको तो डॉक्टर बोला था कि बेड रेस्ट कीजिए तेजस्वी जी,
मेरे हड्डी में कमर में चोट है, हम अभी देखते हैं तो बेल्ट वेल्ट लगा करके घूम रहे हैं। यहाँ देखिए आप बेल्ट लगा के सुइया लेकर के अभी तेजस्वी फिटनेस मिलेगा जब तक मोदी जी को हम हटा नहीं देते। लेकिन सियासत में ऐसी बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, नहीं तो तेजस्वी की 17 महीनों की सरकार भी उनकी वादा खिलाफी में ही गिनी जाएगी, क्योंकि तेजस्वी ने तो शपथ उस वक्त भी लिया था कि चाचा के साथ अब कोई समझौता नहीं करूंगा। लेकिन उसी समझौते की सरकार के नाम पर तेजस्वी यादव 2024 के चुनाव में विपक्ष का बोझा ढो रहे हैं। अब पीएम मोदी बिहार पहुँचे हो और विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। अब किसके गले में जीत का जेवर होगा और किसका तेवर बेडरेस्ट करने जाएगा, ये तो 4 जून के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन एक बात तो सही है कि राजनीति में शब्दों की धार और बयानों की वार सबसे जरूरी चीज होती है, और सियासत में शब्दों का तड़का बिहार से बेहतर कहीं लग नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार से, ऐसे में पीएम मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का फोकस तो है ही, लेकिन विपक्ष भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और देखिए, अभी प्रयागराज के फूलपुर रैली की भगदड़ को 2 दिन भी नहीं बीते कि अखिलेश की रैली में भगदड़ और जूते चप्पल चलने का एक और मामला सामने आ गया। अखिलेश यादव की आजमगढ़ रैली में जमकर धक्का मुक्की हुई और तोड़फोड़ भी हुई। क्या है पूरी खबर, समझते हैं इस रिपोर्ट से। प्रयागराज के फूलपुर में हुई रैली की भगदड़ की बात को अभी जुमा 2 दिन ही हुए थे कि अब फिर से यूपी के लाल अखिलेश की रैली में चप्पल, जूते और भगदड़ की खबर सामने आई है। इस बार ये पूरा वाकया यूपी के ही आजमगढ़ में हुआ है। पिछली बार तो समाजवादी पार्टी के झंडों को ही पैरों तले कुचला गया था, लेकिन इस बार तो जूते चप्पल तक चलने की नौबत आ गई। जूते चप्पल की बात को तो जाने दीजिए, यहाँ तो लोग एक दूसरे पर ईंट फेंकते नजर आए। बेकाबू भीड़ ने ना आओ देखा ना ताओ और बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर जाने का प्रयास करने लगे। बस जैसे ही इस भीड़ ने अपने बेकाबू विवेक का परिचय दिया तो पुलिस ने भी अपनी लाठी से इन सब के विवेक पर चढ़े भूत को उतार दिया। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार लोगों से शांति रखने की अपील करते नजर आए। लेकिन इन लोगों के सिर पर अपने नेता से मिलने का ऐसा खुमार चढ़ा था कि ये लोग जानवरों की तरह स्टेज पर जाने का प्रयास कर रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बार बार हो रहे ऐसे वाक्यों के बाद आने वाली रैलियों में लोग इससे सबक लेते हैं या फिर से अखिलेश की रैली में कुछ ऐसा ही बवाल देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात आईपीएल की भी कर लेते हैं। देखिए, आईपीएल में पिछले 17 साल आरसीबी के लिए ट्रॉफी का सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन इस बार आईपीएल में आरसीबी की वापसी ने टूर्नामेंट में 4 चांद लगा दिए। अब आईपीएल में 17 साल के आईपीएल इतिहास और उनकी इस वापसी को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आरसीबी आईपीएल इतिहास की एक ऐसी टीम है जिसके पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं।
जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरसीबी आईपीएल की सबसे बड़ी फैन बेस वाली टीम में से एक है। माही की सीएसके के बाद अगर किसी टीम की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है तो वो आरसीबी है। लेकिन पिछले 17 साल से आरसीबी के रेगिस्तान में आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी का सूखा पड़ा हुआ है। 17 साल पहले जिस बच्चे ने विराट कोहली और आईपीएल को देखकर क्रिकेट बनने का सपना देखा था, आज वो खिलाड़ी भी आईपीएल खेलने लगे हैं, लेकिन वो ट्रॉफी अभी भी आरसीबी के हाथ से बहुत दूर है। 17 सीजन में एक बार भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई आरसीबी। 2009 में उप विजेता रही थी, 2010 में तीसरे नंबर पर रही आरसीबी की टीम, 2015 में प्लेऑफ से बाहर हुई, 2016 में खिताब से एक कदम चूक गई आरसीबी, 2020-21-22 में प्लेऑफ से बाहर हुई। इसके अलावा आरसीबी ने 17 सीजन में ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बाद से उनके फैंस को इस अलग अपना आमदे का डायलॉग याद आ रहा है। इस बार आरसीबी के कमबैक ने फैंस के साथ खिलाड़ियों को भी इस ट्रॉफी को करीब लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन हम किस कारनामे की बात कर रहे हैं एक बार आपको भी समझा देते हैं। शुरुआती 8 में से 7 मैच हारी थी आरसीबी। 8 मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर थी आरसीबी। -1.46 था आरसीबी का रन रेट। 6 मैच लगातार जीत कर वापसी की। आखिरी मुकाबले में सीएसके को हराकर क्वालिफाई किया। अब राजस्थान रॉयल्स से खेलेगी पहला एलिमिनेटर। आरसीबी की वापसी की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से भी कम नहीं है। लगातार 6 मुकाबले जीतकर विराट कोहली की आरसीबी खिताब से सिर्फ 3 कदम दूर है।